जय हिंद साथियों, आज लेकर हाजिर हैं साथियों हम सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस है। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग दोस्त देख रहे हैं। चलिए आज दोस्त देखने वाले हैं डिलेक्सिया को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया, इसको कहीं कहीं डिलेक्सिया भी लिखता है। तो प्यारे फ्रेंड, हम लोग आज समझेंगे कि आखिर ये डिलेक्सिया क्या होता है। तो इस डिलेक्सिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डिलेक्सिया क्या है। तो डिलेक्सिया एक तरह का विकलांगता है दोस्तों। जिस तरीके से एक अपंग व्यक्ति को चलने में कठिनाई हो सकती है, एक गूंगी व्यक्ति भी को किसी भी चीज़ को बताने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरीके से एक एजुकेटेड एजुकेशन में, शिक्षा में एक तरह का डिसलेक्सिया भी विकलांगता है, एक तरह का डिसेबिलिटी है। अब क्या एबिलिटी है जरा इसको समझें। जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य में अंकन की कठिनाई के रूप में होती है। यानी कि डिसलेक्सिया क्या है दोस्त, तो एक विकलांगता है। इस विकलांगता के प्रकटीकरण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से लिखित भाषा को दृश्य अंकन के रूप में होता है, प्रॉब्लम होता है। मतलब क्या कि लिखा हुआ भाषा को वो पूर्ण तरीके से उसको नहीं पढ़ पाता है। इसलिए आगे लिखा है कि कठिनाई के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पे मनुष्य निर्मित लेखन प्रणाली, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो लिखा हुआ प्रणाली है उसको पढ़ने में समस्या होती है। यानी कि मनुष्य के द्वारा लिखी गई लेखन को उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, याद रखिएगा, इसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर आगे लिखा है, यह इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित भाषा को संसाधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है। बिल्कुल सही, यानी कि हमको इस बात का सुझाव देता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये डिसलेक्सिया हुआ है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। उसको बुद्धि द्वारा लिखित भाषा को संसाधित नहीं कर सकता, मतलब उसको पढ़ने में समस्या होती है, लिखने में समस्या होती है, उसको, उस व्यक्ति को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति को डिसलेक्सिया बना दे, मतलब कि उसको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम करने लगे, बहुत ही दोस्तों गंभीर समस्या है ये। फिर आगे लिखा है कि डिसलेक्सिया का औपचारिक निदान, यानी कि अगर डिसलेक्सिया से अगर आपको राहत पाना होगा तो विज्ञानी या शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक जैसे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक विज्ञान का विज्ञानी या फिर मनोवैज्ञानिक जो आपके मन को टटोलते हैं, मन को पढ़ते हैं, उससे संपर्क करना पड़ता है। इसके कई कारक भी हैं, इसके अंतर्निहित कारक भी हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे तंत्रिका विज्ञान की स्थितियां हैं जो लिखित भाषा को पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मतलब क्या कि अगर किसी भी डिसलेक्सिया, सबसे पहले है क्या, तो डिसलेक्सिया एक तरह का विकलांगता है जो किसी भी व्यक्ति को पढ़ने लिखने में दिक्कत करती है। अच्छा, फिर हम लोग इस पॉइंट पे बात किए कि अगर किसी को भी डिसलेक्सिया होता तो ठीक कैसे होगा, तो उसको एक अच्छे मनोवैज्ञानिक से उसको मिलना पड़ेगा। अच्छा, डिसलेक्सिया का लक्षण क्या क्या है, आखिर डिसलेक्सिया का पहचान क्या है, कैसे समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति को डिसलेक्सिया हुआ है। और डिसलेक्सिया से ना आपको बताते चले साथियों, भर भर के क्वेश्चन आता है बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में। तो अगला पॉइंट हम लोग इसका आंसर में करेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है, इसका अभिलक्षण क्या है। तो सबसे पहले पहला जो लक्षण है, वो पहला लक्षण है वर्णमाला सीखने में कठिनाई। यानी कि वर्णमाला, यानी समझ रहे हैं कि अगर अंग्रेजी का वर्णमाला बोले तो स्टार्टिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ से, उसको सीखने में प्रॉब्लम होगा। फिर बात करें हिंदी का वर्णमाला, यानी कि अ क ख ग, ये सब जो है आपको सीखने में प्रॉब्लम होगा। दूसरा अभिलक्षण है अक्षरों के ध्वनियाँ को सीखने में दिक्कत, यानी कि अक्षरों की ध्वनियाँ, यानी कि क नहीं बोल पाएंगे, ख नहीं बोल पाएंगे, मैंने ध्वनि उत्पन्न, आवाज़ नहीं निकल पाएगा, तो उसको डिसलेक्सिया का ये सब लक्षण है।
जैसे अभी कैसे कोरोना का मामला है कि आपको सूखा खांसी होगा, टेस्ट पता नहीं चलेगा, ये सब लक्षण है ना, वैसे ही डिसलेक्सिया का भी एक लक्षण है। चलिए तीसरा पॉइंट है शब्दों के संयोजन में दिक्कत। अब शब्दों को जैसे मान ले जाए कि हम ऐसे बोलेंगे कि मैं पटना जाता हूँ, तो ये संयोजन हुआ कि मैं पटना जाता हूँ या जा रहा हूँ, लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे मैं हूँ जाता पटना, मैं जाता हूँ पटना हूँ, तो ये समायोजन ठीक नहीं से नहीं हो पा रहा। मतलब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शब्दों का समायोजन यानी कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड डालना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये बोलें कि मैं उसे पिटता हूँ, मैं हूँ पिटता उसे, अब ये बहुत अल्पटांग लग रहा है, तो इसलिए वैसे व्यक्ति जिनको डिसलेक्सिया होते हैं उनको ये जानकारी नहीं रहता है कि आखिर समायोजन कैसे करें। चौथा पॉइंट है संगठन कौशल में कठिनाई, यानी कि उनके कौशल विकास नहीं होता है, माने बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता है। जैसे हम लोग कैसे हैं कि छोटा छोटा से बड़े होते हैं तो पेरेंट्स लोग सिखा देते हैं कि नहीं आपको अगर रिलेशन में के आएंगे तो आपको कैसे उनके साथ बिहेवियर करना है, उनके कै उनको किस तरीके से आदर सम्मान करना है। तो कुल मिलाकर इनसे ऐसे व्यक्ति को अंदर कौशल विकास भी नहीं होता है, मतलब जल्दी समझते नहीं हैं किसी चीज़ को, यानी बहुत उनको प्रॉब्लम होना होता है अगर डिसलेक्सिया होता है तो। फिर आगे है कि डिसलेक्सिया का प्रबंधन, यानी कि डिसलेक्सिया का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी कि प्रबंधन का मतलब क्या, उनको बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपदा प्रबंधन हम लोग देखते हैं नहीं कि आपदा अगर आती है तो उससे बचने का क्या क्या उपाय करते हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति को या बच्चों को डिसलेक्सिया होता है तो क्या क्या बचने का उपाय कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स में हम लोग सीखेंगे कि आखिर डिसलेक्सिया का प्रबंधन हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद प्रबंधन में हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है कि जो डिसलेक्सिया का प्रबंधन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट कि डिसलेक्सिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उचित शैक्षणिक सहायता के साथ डिसलेक्सिया व्यक्ति को लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। मतलब क्या कि डिसलेक्सिया जिस व्यक्ति को होता है, मतलब लिखने पढ़ने में समस्या होता है, उसको समझिए कि कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन उचित शैक्षणिक सहायता यानी कि अगर आपके पास बहुत अच्छा पेरेंट्स हैं जिनके वजह से इनके जिनके घर अर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत एजुकेटेड हैं, मतलब बहुत शिक्षित हैं, ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे, आपको चांस रहेगा कि आप डिसलेक्सिया को मात दे सकते हैं, डिसलेक्सिया को हरा सकते हैं। फिर लिखता है राष्ट्र के, एक मिनट, राष्ट्र के कई कानून और विशेष शैक्षणिक यानी कि राष्ट्र के ऐसे कई कानून भी हैं जो और विशेष करके शैक्षणिक समर्थन के ढांचे मौजूद हैं जो डिसलेक्सिया का प्रबंधन में सहायक होते हैं। मतलब कि जैसे कोर्ट वगैरह में कानून में राष्ट्र के कई ऐसे कानून हैं जिसमें डिसलेक्सिया के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर साथियों हम लोगों का ये डिसलेक्सिया का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग डिसलेक्सिया के से संबंधित सवाल आएगा तो आप बेहिचक आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ये हमें बहुत आशा है आप पे। तो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और VVI क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।